नारायण बगड़ ब्लॉक के पंती में बादल फटने से भारी तबाही मची है। पहाड़ी से आए मलबा बारिश के पानी के साथ कहर बनकर टूटा है। बीआरओ में काम करने वाले मजदूरों की झोपड़ियों को नुकसान पहुंचा है। एक दर्जन वाहन मलबे में दबे। राहत बचाव कार्य में अभी भी टीम जुटी हुई है। सुबह 5 बजे बादल फटा, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप एबीपी गंगा पर देख पा रहे हैं। और बीआरओ में काम करने वाले मजदूरों की झोपड़ियों को नुकसान पहुंचा है। नारायण बगड़ ब्लॉक के पंती में बादल फटने से भारी तबाही। सुबह 5 बजे की ये तस्वीरें बताई जा रही हैं। ये देखिए तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। भारी मलबा जमा होने की वजह से कीचड़ दलदल बना हुआ है और इसकी वजह से गाड़ियां फंसी हुई हैं। ये तस्वीरें देखिए, बीआरओ की टीम वहां पर लगातार लगी हुई है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। सुबह 5 बजे बताया जा रहा है कि बादल फटने के बाद भारी नुकसान पहुंचा, अफरा तफरी का माहौल बन गया। जितेंद्र पवार इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। जितेंद्र, 5 बजे की घटना ये बताई जा रही है, क्या इस वक्त राहत बचाव कार्य को लेकर स्थिति है, नुकसान को लेकर अभी वहां पर स्थिति क्या बताई जा रही है? जी देखिए, बीती रात को नारायणगढ़ क्षेत्र में हुई भारी बारिश के चलते कुदरती आफत लोगों पर जमकर कहर बनके बरती है। और नारायणगढ़ तहसील के अंतर्गत जो पंती का ये क्षेत्र है, इसके ऊपर बादल फटने के चलते जो पहाड़ी से मलबा मौत बनकर लोगों के ऊपर कहर बनकर टूटा है। यहाँ पर जो बीआरओ में काम करने वाले जो मजदूर थे, उनकी झोपड़ियां यहाँ पे तबाह हुई है। जो लोगों का दैनिक दिनचर्या का जो सामान था, वो झोपड़ियों के अंदर ही दलदल में दब गया है। और जो सैलाब था, मौत का सैलाब बनकर जो पहाड़ियों से आया है, वो कणकरा ग्वालदा मोटर मार्ग पर भी यहाँ पर दिख रहा। और जो वाहन खड़े थे हाईवे पर, ये वाहन भी मलबे में दब गए हैं, जिसके चलते लोगों को खासी यहाँ पर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और घटना की सूचना मिलते ही जो तहसील प्रशासन है, नारायणगढ़ का तहसील प्रशासन है, वो मौके पर पहुंच गया है और क्षतिपूर्ति का यहाँ पे आकलन कार्य यहाँ पर शुरू हो चुका है। जी जितेंद्र, जिस तरीके की तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, भारी तबाही मची है। गाड़ियां जो दलदल में फंसी हुई हैं, कई लोगों के घरों को नुकसान पहुंचा है। बताया जा रहा है कि बीआरओ के जो कर्मचारी हैं, वो यहां आसपास रहते हैं और उनकी झोपड़ियों को काफी नुकसान पहुंचा है, तो उसको लेकर स्थिति इस वक्त क्या है? अभी देखिए, ये इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जो जिला प्रशासन है, वो एक्टिव मोड में आ गया है। और जिलाधिकारी के द्वारा जो स्थानीय तहसील प्रशासन के जो अधिकारी हैं, उनको निर्देशित कर दिया गया है कि जो लोगों को नुकसान हुआ है, उसके लिए लोगों को लगभग जैसे लोगों के दैनिक दिनचर्या का जो सामान दब गया है, राशन पानी दब गया है, उसको लेकर तहसील प्रशासन को आदेश जिलाधिकारी के द्वारा दे दिए गए हैं कि लोगों को किसी प्रकार की कोई दिक्कतें न होने पाए, इसके लिए तहसील प्रशासन यहाँ पे लगा हुआ है। और जो बीआरओ के जो अधिकारी हैं, वो लोग भी यहाँ पे पहुंच चुके हैं कि उनके जो कर्मचारी हैं, उन लोगों का जो नुकसान हुआ है, उसकी मदद करने के लिए यहाँ पर तहसील प्रशासन के साथ बीआरओ के लोग भी यहाँ पे पहुंच गए हैं, ताकि लोगों को कोई दिक्कतें का सामना न करना पड़े। जो स्थानीय लोग हैं, वो लोग भी यहाँ पे मदद करने से जुड़ गए हैं। और जो हाईवे में जो वाहन थे, वो एक दर्जन से करके करीब जो वाहन थे, वो मलबे में दब गए हैं, उनको भी नुकसान यहाँ पे पहुंचा है। और सुबह 5 बजे की घटना बताई जा रही है। और जैसे पहाड़ी से मलबा मौत का सैलाब बनकर आया, लोगों ने आवाज सुनी और जो अफरा तफरी का यहाँ पे माहौल पैदा हो गया था, कि बामुश्किल लोगों ने अपनी जानें बचाई और जिसके चलते इतनी बड़ी घटनाएं यहाँ पर किसी भी अनहोनी होने के चलते टल गई थी। अनहोनी तो नहीं हो पाई, लेकिन लोगों को नुकसान काफी हो पाया। बिल्कुल, लोगों को काफी नुकसान पहुंचा है, वो तस्वीरें भी बता रही हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो ये देखिए, लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं।